कुवैत के हादसे में 49 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 41 भारतीय थे। मंगाफ शहर में ये सब लोग एक आवासीय बिल्डिंग में रहते थे और मजदूर थे। उसी बिल्डिंग के किचन में आग लगी और उसने पूरे बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और उसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत भेजा गया है ये सारी चीजें देखने के लिए। उसके साथ साथ उधर कुवैत की सरकार ने वो जो बिल्डिंग का मालिक था उसको गिरफ्तार करने के आदेश भी दे दिए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयावह होंगे। कुवैत के मंगाफ शहर के आवासीय कॉलोनी में लगी आग ने कई जिंदगियां ले ली। जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी उसमें ज्यादातर मजदूर और मॉल में काम करने वाले लोग रहते थे। श्रमिकों के आवास वाली इस इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई। हादसे में 40 भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक जान गंवाने वालों में 11 लोग केरल के होने की पुष्टि की गई है। शवों की पहचान करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आशंका है कि मृतकों में केरल के साथ साथ तमिलनाडु और उत्तर भारत में भी कई लोग शामिल हैं। कुवैत के अधिकारियों के मुताबिक आग बुधवार तड़के लगी। ये इलाका कुवैत के दक्षिणी गवर्नरेट के मंगाफ का है, जहां 6 मंजिला इमारत के किचन में आग लगी। आग तेजी से 6 मंजिला बिल्डिंग में फैल गई। ऐसे में लोग अंदर ही फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस इमारत में आग लगी उसका इस्तेमाल श्रमिकों के लिए किया जाता था और वहां बड़ी संख्या में कर्मचारी रहते थे। ज्यादातर कामगारों को बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से आग के धुएं के कारण कई मौत हुई। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो केरल के बिजनेसमैन केजी अब्राहम के एनबीटीसी ग्रुप की है। बिल्डिंग में 160 लोग रहते थे। जान गंवाने वाले लोग इसी कंपनी में काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के बिजनेसमैन हैं। उनकी कंपनी 1977 से कुवैत की ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। हादसे के बाद कुवैत के गृह मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया और बिल्डिंग के मालिक की गिरफ्तारी के आदेश दिए। दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ज्यादा किराए के लालच में बिल्डिंग ओनर्स एक ही कमरे में कई लोगों को ठहराते हैं। ज्यादा किराए के लिए सुरक्षा के पैमाने से समझौता किया जाता है। कुवैत में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने और भारतीयों की मौत की खबर लगते ही पीएम मोदी ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने आग लगने की घटना में मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी घटना पर दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि उन्होंने कुवैत के विदेश मंत्री से बात की है, हमें जांच का भरोसा दिया गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया है। शवों को हम जल्द भारत लाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके यहाँ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है, वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे। जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं, उनका जायजा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है, और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी। कुवैत में जान गंवाने वाले केरल के कई लोगों के घरों में सन्नाटा और मातम पसरा है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द शवों को भारत लाया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कई दलों के नेताओं ने भी सरकार से बिना देर किए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। So it's really a terrible situation. It's a reminder, sadly, of how much our migrant workers suffer when they go abroad hoping to make something to support their families at home, and they end up in this kind of terrible conditions. I had been pressing the government and the Ministry of External Affairs to do a revised emigration bill to produce provisions that will guarantee better conditions for our migrant workers. कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी सरकार से तुरंत राहत मुहैया कराने की अपील की है। बहुत बहुत अफसोस है, बहुत चिंता है, बहुत दुख है ये सब सुन के कि कम से कम एक बड़ी संख्या लोगों की जो वहाँ काम करने के लिए गए थे वो आग में झुलस गए हैं। वैसे तो कुवैत में सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और होंगी। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो मदद पहुंचाई जा सकती है वो फौरन पहुंचाई जाएगी, लेकिन
ऐसे मौके पर सरकार का भी एक दायित्व बन जाता है कि सरकार अपनी तरफ से जो कुछ कर सकती है वो करे। कुवैत की कुल 48 लाख आबादी में सिर्फ 30% कुवैती और 70% प्रवासी हैं। करीब 10 लाख भारतीय वहां रह रहे हैं जो मजदूरी करते हैं। कई लोगों को अवैध तरीके से भी ले जाया जाता है और जिन कंपनियों में वो काम करते हैं उन्हीं की तरफ से मुहैया कराए घरों में रहते हैं, जहां हालात बेहद दयनीय होते हैं। एक कमरे में कई लोगों को रखा जाता है, जो मंगाप में हुआ वो इसी का नतीजा है कि एक बिल्डिंग में आग लगती है और चंद मिनट में 49 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।